सुरजेवाला जी, बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि फला पार्टी ने यहाँ पर जो कैंडिडेट कमजोर उतार दिया जी, बल्लभगढ़ विधानसभा को लेकर भी कुछ ऐसा है जी। पराग शर्मा को टिकट दिया है कांग्रेस ने जी, शारदा राठौर इंडिपेंडेंट कूद गई है जी। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जैसे मूलचंद शर्मा को वॉकओवर मिल गया, क्या लगता है आपको, क्या है ये तो वक्त बताएगा। शारदा राठौर के इंडिपेंडेंट खड़े होने से जी कितना असर पड़ सकता है, आपको क्या लग रहा है कि कोई मुकाबला चुनाव में होगा? मुकाबला होगा, कड़ा होगा, कड़ा मुकाबला होगा। मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद तिकोना ना बन जाए। मूलचंद शर्मा 10 साल से MLA हैं जी, 5 साल से सरकार में वजीर हैं। बिल्कुल, काम कितने हैं उनके, ज़्यादा तो मूलचंद बता सकते हैं खुद ही, लेकिन पब्लिक में चर्चा ये होती है कि मूलचंद के साथ एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी रहेगी। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ है? शारदा राठौर भी बीच में आ सकती है, या शारदा और मूलचंद में, या पराग और मूलचंद में, क्या लगता है मेन मुकाबला किस में? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि कौन सी पार्टी का कमजोर, कौन सी पार्टी का मजबूत कैंडिडेट। चर्चाएं चल रही हैं कि अगर यहां ये ना होता तो वो होता, वो ना होता तो ये हो जाता। कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहां पर कमजोर आ गए, तो कहीं आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस का कैंडिडेट कमजोर रह गया। ऐसी तमाम विधानसभा सीटें हैं जिसकी संख्या 10 से लेकर 15 के बीच में है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको उन सभी विधानसभा सीटों के बारे में बताएं कि वहां के बारे में आखिर गणना क्या है। और इस श्रृंखला में आज सबसे पहले मैं आपके साथ मौजूद हूं बल्लभगढ़ विधानसभा को लेकर, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी। जी सुरजेवाला से आप परिचित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और पंचायत विकास विभाग से सेवानिवृत्त ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। सुरजेवाला जी, कैसा हरियाणा का चुनावी सिनेरियो कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, इस बार बड़ा दिलचस्प है ये चुनाव जी। लोगों का काफ़ी रुझान और रुचि नज़र आती है चुनाव के अंदर, और उम्मीदवार संख्या भी इस बार ज़्यादा ही रही। बिल्कुल, 1500 के आसपास कैंडिडेट जी। हाँ जी, लगभग हैं जी। हाँ, 1767 जो है ना फॉर्म जो है ना अप्लाई हुए थे सेट, जिसमें से 1561 उम्मीदवार जी। जी हाँ, तो काफ़ी अच्छा है, लोगों में दिलचस्पी है चुनाव के प्रति, और समय भी इस वक्त समय भी ज़्यादा है, 5 दिन ज़्यादा मिल गए हैं। नहीं, समय 5 दिन तो मिला है नहीं, मेरा मतलब कहने का कि जैसे कि फसल का सीजन होता है ना, तो किसानों को और उस वक्त अभी तक खाली समय है अभी तो, ना शादियों का सीजन है, ना किसान का सीजन है, मतलब व्यापार भी फ्री जी। हाँ, किसानी तो, किसान भी फ्री, व्यापारी भी फ्री, सबके पास खूब मजा है, मजे लेके इलेक्शन देखेंगे जी। जी जी, सुरजेवाला जी, बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि फला पार्टी ने जी यहाँ पर जो कैंडिडेट कमजोर उतार दिया जी, बल्लभगढ़ विधानसभा को लेकर भी कुछ ऐसा है जी। पराग शर्मा को टिकट दिया है कांग्रेस ने जी, शारदा राठौर इंडिपेंडेंट कूद गई हैं जी। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जैसे मूलचंद शर्मा को वॉकओवर मिल गया, क्या लगता है आपको, क्या है? देखिए, ऐसा है कि वो प्राग जो है, टिकट उनको पहली बार मिला है, चुनाव वो पहली बार लड़े जी, लेकिन आप इस बात को याद रखिए 1987 में इनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे हैं और बराबर वो सक्रिय रहे राजनीति में, योगेश शर्मा जी। जी, मुझे लगता है योगेश शर्मा जी ने उसके बाद कोई चुनाव लड़ा नहीं शायद 87 के बाद। नहीं नहीं, चुनाव नहीं लड़ा उनको कभी, पार्टी में वो सक्रिय रहे कांग्रेस पार्टी में, राजनीति में सक्रिय रहे। हाँ, तो दिलचस्पी लेते रहे, और पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है, उसके बाद ये उनकी पुत्री जो है ये चुनाव लड़ रही है, और ये कहना कि भाई वॉक ओवर मिल गया, पहली बात तो उनके पास एक मजबूत पार्टी का, जिसका कि एक आधार है, उस पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है जी। दूसरा, योगेश शर्मा का अपना एक वजूद रहा है, एक अच्छा परिवार इनका वो रहा है, और खुद मूलचंद शर्मा दबंग विधायक थे, योगेश शर्मा दबंग विधायक रहे हैं नो डाउट, और उनके बारे में मैं यही कहूँगा, मेरा उनका अपना भी एक एक्सपीरियंस है जी, मेरी भी उनके साथ एक जब मैं नौकरी में था तो मेरी भी उनके साथ एक झड़प हुई थी जी। उसके बाद हम अच्छे दोस्त रहे, वो यारों के यार हैं, दोस्तों के दोस्त भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो
मूलचंद शर्मा का जहाँ तक सवाल है, ये उन्हीं के साथ इन्होंने राजनीति शुरू की थी जब वो विधायक थे, योगेश शर्मा जी के। योगेश शर्मा ये उनके सहायक बने, उनके पीए थे, और इन्होंने राजनीति का पहला पाठ उन्हीं के पास बैठ के सीखा है। बाद में फिर वो लोकदल पार्टी में चले गए, उसके बाद फिर बीजेपी में आ गए, और वो फिर टिकट मिला और दो बार से विधायक हैं। कभी मूलचंद शर्मा जी ने कहा नहीं ये बात कि योगेश शर्मा से सीखा है आप जो बता रहे हो? ये तो सारा जगत जानता है, मुझसे क्या छिपा है, मैंने वो देखा है, वो जब ये कॉपी उठा करके उनके सब पीछे चलते थे और सारा कुछ, कहे ना कहे बहुत सी बातें होती हैं जो अनकही कहानियां भी होती हैं। हाँ, अनकही कहानियां। सतपुरा गांव है इनका और उसी गांव से उसी। अच्छा, सतपुरा गांव ही शायद मुझे लगता है योगेश शर्मा जी का है और सतपुरा गांव ही दोनों का मूलचंद जी का है। बिल्कुल। हाँ, योगेश शर्मा जी के दादाजी जो थे वो DI, एक इंस्पेक्टर के पोस्ट होती थी, बड़ी रेपुटेड पोस्ट थी वो। डी आई पुलिस में? मतलब नहीं जी, एजुकेशन विभाग में। अच्छा, एक पुलिस में बहुत ही डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर। हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ही होते थे जी, और एक होते थे शिक्षा विभाग में भी होते थे। डी आई जी, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर एजुकेशन। अच्छा था। इनके पिताजी अच्छे वकील थे अक्सर। हाँ, वकील, अच्छे वकील थे बिल्कुल। हाँ, बड़े भले आदमी थे और कई बार उनसे मेरे ऑफिस में वो आते थे, बड़ा मिलने का सौभाग्य हुआ है। तो अच्छे परिवार से और राजनीतिक परिवार से हैं, तो ऐसा नहीं है कि पराग को हम ये मान के चलें कि भी वो बिल्कुल कमज़ोर या ऐसा कुछ नहीं। देखिए, वक्त बताएगा जी, ये तो वक्त बताएगा। शारदा राठौर के इंडिपेंडेंट खड़े होने से जी कितना असर पड़ सकता है? चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। शारदा का अपना वजूद है और कयास तो यही लगाए हुए थे कि भी शारदा राठौर को टिकट मिलेगा जी, और उन्होंने पिछले कई साल से इस क्षेत्र में कार्य भी किए हैं। मगर शारदा जी के बारे में ये है कि वो 2019 के चुनाव से कुछ समय पहले पार्टी छोड़ गए और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। 2014 का चुनाव में मेरे को ध्यान आता है जी, सुरजेवाला जी जी, शारदा राठौर के बारे में पट्टियां चली कि शारदा राठौर भारतीय जनता पार्टी में चली गई जी, टिकट उनको कांग्रेस में मिलने में दिक्कत आ रही थी जी, कांग्रेस में वो गई आई या गई पता ही नहीं चल पाया कुछ भी। फिर वो कांग्रेस में कैसी रही कैसी नहीं रही ये शारदा जी बता सकती हैं या वहाँ के लोग जी। 2019 के चुनाव से ठीक पहले वो पलवल में एक सभा हुई थी, मनोहर लाल चले थे रथ लेकर के अपना जी, बस यात्रा जी हाँ जी, तो उस बस यात्रा के दौरान वो भी पलवल में रैली हुई थी मनोहर लाल जी की, और उसमें वो शामिल हो गई, उस बस में वो सवार हो गई। बीजेपी ने उनको कोई भाव दिया नहीं। उसके बाद वो वापस कांग्रेस में आ गई जी। 10 साल का गैप शारदा को दिक्कत नहीं देगा अगर इंडिपेंडेंट लड़ रही है? नो डाउट, जैसा चर्चा थी कि 2019 में अगर शारदा ये राजनीतिक भूल ना करते तो लोगों में है इस बात का कि वो बाजी मार जाती जी, ये लोगों में खास चर्चा थी। लेकिन उनका ये पैंतरा बदलना निसंदेह उनको कुछ नुकसान तो पहुंचा गया है। हो सकता है ये टिकट भी उनका इस वजह से ना मिल पाया हो जी, कारण बन जाता है कि भाई यही कारण हो सकता है। 10 साल में जो समर्थक होते हैं, शुभचिंतक होते हैं जी जी, वो अलग एडजस्ट हो जाएंगे कहीं और जा करके, शायद ये भी कांग्रेस को लगा हो मैसेज। नहीं, ये है ना कि पार्टी की लॉयल्टी को तो चेंज करता है वो, एक कंसिडर तो होता है, चर्चा तो होती है। और फिर अगर कोई पार्टी के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो दे देते तो शायद उसको उस बात को भुला करके उस बात पे समझौता भी कर लेती है। ऐसा नहीं है जी। मूलचंद शर्मा 10 साल से MLA हैं जी। हाँ जी, 5 साल से सरकार में वजीर हैं। बिल्कुल। काम कितने हैं उनके, ज़्यादा तो मूलचंद बता सकते हैं खुद ही जी। लेकिन पब्लिक में चर्चा ये होती है कि मूलचंद के साथ एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी रहेगी, आपको क्या लगता है ऐसा कुछ है? अगर आपने बल्लभगढ़ को पास से देखा हो तो कुछ आपको लगता है कि 10 साल में बल्लभगढ़ में कोई विकास की नई इबारत लिखी गई हो? आपने जो सवाल किया, मूलचंद शर्मा को टिकट जो मिला, भाजपा में एंट्री जो मिली, वो इनके रिश्तेदार, बड़ा नाम था पंडित रामविलास शर्मा जी, उनकी बदौलत इनको पार्टी में एंट्री मिली, टिकट मिला और विधायक बने। लोगों में तो ये भी है कि जब वो 2019 में पंडित जी हार गए, बड़े पंडित जी
तो इन छोटे पंडित जी का फिर वो दाव लग गया और ये मंत्रिमंडल में इनको स्थान लॉटरी लग गई, इनको स्थान मिला। अब रही बात की विकास, चूँकि बल्लभगढ़ एक शहरी क्षेत्र है, गांव इस देहात इसमें कोई भी नहीं है पूरा का पूरा जी, तो ऐसा बल्लभगढ़ शहर में कोई ऐसा विकास की इबारत जैसे आपने कहा कोई नया ऐसा कोई प्रोजेक्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया। और जहाँ तक है शहर की व्यवस्था जी, वो उसमें भी कोई सुधार नाम की चीज़ नहीं, चाहे वो शिक्षा चिकित्सा, हाँ कहने को है वहाँ एक कॉलेज महिलाओं का वो हमारे सुषमा स्वराज जी के नाम से बना है, नहर सिंह जो पैलेस बना, नहर सिंह पैलेस तो बहुत पहले से बना हुआ है। अच्छा, हाँ मिनी वो सेक्रेटरीट कह सकते हैं आप, बना है। ये एक प्रोसेस है, चलता रहता है, मिनी सेक्रेटरीट की भवन तो बनते रहते हैं। हाँ वो बहुत पहले से था, उसको बनने में आज से कोई 15-20 साल से ये प्रक्रिया चल रही थी, वो पंचायत भवन में शिफ्ट हुआ हुआ था। उसको मिनी सेक्रेटरीट को बनने का था, वो चलता एक प्रोजेक्ट था, वो उसके हिसाब से वो बना। बाकी ऐसा कोई ये नहीं कि भी जो क्रेडिट जिसको लें कि भी ये काम बहुत अजूबा जिसको कहें कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट, ऐसा कोई बल्लभगढ़ में नहीं है। शहर की भी जहाँ तक सफाई और शिक्षा, पानी बहुत जल भरा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है बाजार में, गलियों मुझे भी एक दो बार मौका लग गया मार्केट में जाने का और बारिश अगर हुई हो जी, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि बल्लभगढ़ डूब गया, ये स्थिति रहती बिल्कुल है। और तंग गलियाँ हैं, उनमें आबादी बढ़ती जा रही है और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। और जहाँ तक है नगर निगम का, नगर निगम ने भी वहाँ कोई ऐसा काम नहीं है जिससे कि कुछ उंगलियाँ भी उठती रही। आपने नगर निगम की बात छेड़ दी, वही मैं कहूँ लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले जी नीरज शर्मा ने एक और बम फोड़ा था, लेटर बम जी जी जी, कि ये एक भ्रष्टाचार हो गया और उसके अंदर उन्होंने जी सीधा सीधा आरोप लगाया था मूलचंद शर्मा पर। बिल्कुल, हमने भी उनसे बात भी की थी जी, तो उन्होंने कहा था कि अगर मूलचंद शर्मा नहीं है तो फिर FIR करवा दें। हाँ, तो आपको क्या लगता है या ये बातें चुनाव पर असर डालेंगी? इससे पहले जो 200 करोड़ वाला मैटर चलता रहा नगर निगम में जी, उसमें भी कहीं ना कहीं मंत्री जी पर भी उंगलियां उठी जी, तो क्या लगता है चुनाव में क्या मैटर इफेक्ट करेंगे ये? देखिए ये उस वक्त काफ़ी बड़ा ज्वलंत वो मुद्दा था जी, लोगों ने धरने प्रदर्शन बहुत किए, जहाँ तक नीरज शर्मा ने तो विधानसभा में भी अपना वस्त्र त्याग किया, पैदल वो जूते का भी चप्पल का भी वो पता नहीं क्या किया, कभी नीरज उन्होंने काफ़ी कुछ वो किए। हाँ ये बात है कि उस वक्त 200 करोड़ नहीं 600 करोड़ तक का भी वो आंकड़े चलते गए और फाइलें भी जला दी गई, उस इंक्वायरी का भी आज तक नहीं, जबकि उसके अंदर 6-6 IAS ऑफिसर भी इन्वॉल्व हुए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मामला आज तक भी सामने नहीं आ पाया। हाँ मुझे लगता है लीपा पोती हो गई सारी उस पे, बस उसमें है ही नहीं कुछ, सामने आ ही नहीं रहा, दबा दिया गया, दबा रखा है उसको, दबाना भी कही है या उसको उठने ही नहीं दिया। हाँ वही एक वही शब्द, और उसमें सीधे सीधे आरोप लगे हैं। तो क्या वो चुनाव पे असर कुछ हो सकता है उसका? बिल्कुल, देखिए सामने जब आती है ऐसी बातें तो लोगों के मन में आता तो है। एक बोफोर्स घोटाले का मुद्दा था, इससे हटके बात है जी, और वो बोफोर्स वाला मामला जबकि उसके अंदर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था, वो ले बैठा था पूरे देश की सरकार को, ले बैठा था। तो ये भ्रष्टाचार वाले मामले, कई बार ऐसा होता है, वाटरगेट स्कैंडल हुआ है अमेरिका में जी, तो जब शुरू शुरू में हम पढ़ते थे और ये अखबारों में पढ़ते थे वाटरगेट स्कैंडल, हमें लगता था कि ये ऐसा कुछ नहीं है आई मीन, लेकिन जब वो भांडा फूटा और उससे सरकार निक्सन की चली गई वाटरगेट स्कैंडल, तो कई बार जो है ये स्कैम स्कैंडल वो बड़ा भयंकर रूप ले लेते हैं, पता नहीं चलता, अंदर अंदर चिंगारी चलती रहती है। आप देखिए 2014 में कोल स्कैम और आपका वो एशियन गेम का जो था कलमाड़ी पे, एक भी स्कैम प्रूव नहीं हुआ और लोगों ने कांग्रेस को गड्ढे में दबा दिया। बिल्कुल ये कर सकते, बिल्कुल इतना कर दिया कि सबसे बड़ी पार्टी और सबसे छोटी बन के रह गई 44 सीटों पर 40 सीटों पर। देखिए वो कई बार ऐसा है कि पार्टी उसको कितना उठाती है, जो विपक्षी जो है दल, हाँ अब तो चुनाव है तो कांग्रेसियों के ऊपर है कि इसको कितना भुना सकते हैं, इसको कितना भुना सकते हैं। चलिए मुद्दा तो है, अंतिम सवाल पे आता हूँ एक बार फिर सीधे सीधे, और मुद्दा है और मुद्दा सही है और मुद्दे के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वरना तो ये क्यों नहीं करते, पाक साफ करते,
मामले को बेहतर होना चाहिए था। मंत्री जी खुद ही कहते कि इसकी बड़ी सीबीआई से जांच कराएं, सरकार एजेंसी से कराएं, ठीक बात है बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है पिछले है, जो सरकार के खिलाफ एक आक्रोश है वो इस बात का है कि जब भी ऐसे कोई मुद्दे आए ना, उसमें बजाय जांच पड़ताल या उसको क्लियर करने के क्लीन चिट देते रहे, चाहे वो ग्रोवर। ये तो भाजपा सरकार में रहा। हाँ, पूरी भाजपा सरकार में। हाँ, तो उसी का तो परिणाम है, ये भी उसी सरकार के तहत हुआ ना, चाहे वो मनीष ग्रोवर के ऊपर बड़े गंभीर आरोप, और वो भी इन्हीं की पार्टी के जो सांसद वो लगाते रहे, और इसी तरह चाहे वो संदीप जो मंत्री थे उनके ऊपर आरोप, तो उसमें बचाव ही बचाव करते रहे। और जी जी जी, और बल्कि वो जाट आरक्षण हुआ उसमें छांट के और बहुत ही नेक और बहुत ही सुलझे हुए डीजीपी हमारे वो यूपी कार्डर के थे, उनको लेके आए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। आज तक वो भी जब देखा कि उस रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी कभी भी संसद पे उसको पटल पर आने नहीं दिया। हाँ, वो रिपोर्ट की रिपोर्ट ही रही। चलिए बल्लभगढ़ वापस आते हैं जी। अंतिम सवाल, आपको क्या लग रहा है कि कोई मुकाबला चुनाव में होगा? मुकाबला होगा, कड़ा होगा, कड़ा मुकाबला होगा। मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद तिकोणा ना बन जाए। शारदा राठौर भी बीच में आ सकती है, या शारदा और मूलचंद में, या पराग और मूलचंद में, क्या लगता है मेन मुकाबला किसमें? नहीं, आज तो यही लगता है कि तिकोणा मुकाबला होगा। अब उस तिकोणा मुकाबले में जैसे जैसे बादल छटेंगे पता चलेगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो विड्रॉल होना है 16 तारीख को जी, और कौन कैंडिडेट निकलता है, कितने रहते हैं, और उसके बाद सही रूपरेखा तो उसके बाद ही शुरू होगा जी। आज ये कहना कि भाई बल्लभगढ़ में कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत ही कमजोर है और वॉकओवर मिल गया, ये शायद भ्रम होगा। अगर कहीं जी सवाल में सवाल मिलाना पड़ गया, अंतिम सवाल पे, अगर कहीं कांग्रेस ने शारदा राठौर को मना लिया जी और उन्होंने कहीं विड्रॉ कर लिया, तो चुनाव क्या लगता है? फिर चुनाव में काफ़ी रंगत आ जाएगी, फिर तो जो है ना मूलचंद जी को बहुत ही भारी पड़ जाएगा। 16 तारीख विड्रॉ की डेट है अंतिम, अभी इंतजार ये रहेगा कि कोई कैंडिडेट क्या विड्रॉ भी करते हैं। बल्लभगढ़ के लिए सुरजेवाला साहब कह रहे हैं कि कोई ये ना समझे कि मूलचंद शर्मा को वॉकओवर है, चुनाव के अंदर बल्लभगढ़ का विकास असीम अनियंत्रित विकास या विकास में बल्लभगढ़ का विकास की दौड़ में पिछड़ना, इसके साथ साथ कह रहे हैं नगर निगम के वो स्कैम, ये सब जिन बनकर सामने भी आ सकते हैं। सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि पराग शर्मा को कोई नया कैंडिडेट ना समझे क्योंकि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। तो ये थी हमारी बल्लभगढ़ पर विशेष पेशकश। आने वाले दिनों में भी ये चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप तक पहुंचकर भी आपके विचारों से दर्शकों को रूबरू कराएं। इसी प्रकार के वीडियोज अपडेट्स के लिए लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।